12 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज, एमोलेड डिस्प्ले और 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ओके जी, तो ये है इस मोबाइल फोन का डिजाइन। अगर आप इसकी बैक प्लेट पे एक नजर डालें तो आपको डिजाइन काफी यूनिक लगेगा। टेक्नो ने कहा है इसको साइड एक्सेस कैमरा मॉड्यूल डिजाइन, और यहाँ पे भाई साइड पे आपको ये एक हल्की सी सेपरेशन मिल रही है जिसके अंदर ग्लॉसी फिनिश दी गई है, और ओवरऑल यहाँ पे मैट फिनिश के साथ ये फोन आता है। फ्रंट पर आपको इसका मिलता है 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और ये जो एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश शेड भी ये स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देता है। यूजर एक्सपीरियंस आपको काफी स्मूथ मिलने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों इसके डिस्प्ले के अंदर आपको 3 आपको मल्टीपल स्विच दिए गए हैं। आप 120 हर्ट्ज के अंदर भी स्विच कर सकते हैं, 90 हर्ट्ज में भी और 60 हर्ट्ज में भी, और इसको ऑटो भी लगा सकते हैं और ये ऑटो भी एडजस्ट कर लेगा। तो इसके अंदर जो मेन हाईलाइट है ना वो ये है कि भाई 12 GB रैम इसके अंदर दे दी गई है, भर भर के रैम। हाँ जी, टोकरियां टोकरे भर भर के रैम आपको दे दी गई है, और 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। ये सोच लें कि इस रेंज के अंदर रैम वाइज ये स्मार्टफोन जो है वो सबसे बेहतर है। 12 GB रैम इस रेंज के अंदर कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। रियर साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, मेन 100 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर है विद OIS जो कि फोटोग्राफी में काम आता है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है ऑटो फोकस वाला। 1080p 60fps तक आप फ्रंट और बैक दोनों से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन के कैमरा ने ना मुझे लिटरली सरप्राइज किया। डिस्प्ले के ऊपर आप सैंपल शॉट देख रहे होंगे, आपको भी आइडिया हो रहा होगा। ओवरऑल स्मार्टफोन up to the chart, up to the point, camera is good, everything is good, design is good, display is good. Personally, मेरे को दो उसके features बहुत पसंद है। एक तो उसका display 130 hertz, AMOLED और इसके cameras, मतलब top notch. I would highly recommend you guys अभी जाएं, अभी लें, अभी खरीदें, अभी use करें, और comment जरूर बताएं मुझे कि आप भाई आपके कहने के लिए, और अलहमदुलिल्लाह हम satisfy इस smartphone का।